नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। असम और बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, कल से डोर टू डोर होगा कैंपेन। भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी ने झोंकी ताकत। एंटीलिया केस में सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजह की बड़ी मुश्किलें। एनआईए ने लगाया यूएपीए, तो गृहमंत्री देशमुख ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कहा वसूली के आरोपों की हो जांच। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दर्दनाक हादसा, सेना की जिप्सी में पलटने के बाद लगी आग। हादसे में 3 जवानों के जिंदा जलने से मौत, 5 हुए घायल। राजियासर थाना क्षेत्र की घटना। सिरोही के पिंडवाड़ा में पाली एसीबी की कार्रवाई, 1 लाख रिश्वत लेते तहसीलदार एवं भू अभिलेख निरीक्षक ट्रैप। नोटों की गड्डियों को एसीबी के डर से लगाई आग। देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन, एमपी के 7 शहरों में संडे लॉकडाउन, तो महाराष्ट्र के बीड और नांदेड़ में भी टोटल लॉकडाउन की शुरुआत। देश के अन्य राज्यों ने भी बढ़ाई पाबंदियां।